everyone, welcome back to your favorite channel, the Dance Star Squad. We are back with another video. तो भाई फादी का song आया हुआ दो दिन हो गए हैं, but हम लोग late हो गए थे, cause हम beef cover कर रहे थे. मैंने देखा नहीं यार, मैंने आज देखा. और ये हमने इसके EP का song है. इससे पहले वाला था, हमने दुनिया cover किया था. वो हमने बहुत awesome song था वो यार. दुखी like romantic, बहुत अच्छा sad broken song था. आप चेक करें, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा. यार तू बोल देता, मैं लगाना भूल जाता हूँ. सुस्त बंदे है हमारे पास. और ये गाने का नाम है शायरी. तो मतलब क्या शायरी होने वाली है या पोइट्री, चलो देखते हैं जो भी होने वाली. लेकिन उस वीडियो शुरू स्टार्ट करने से पहले यार सब्सक्राइब नहीं कर रहे यार. आज हमारा सब्सक्राइब जो अनसब्सक्राइब का रेशो था 95/5%. जो वीडियो देख के जाते हैं वो 95% लोग हमारे सब्सक्राइब नहीं कर रहे. क्या ऐसे कैसे चलेगा भैया? लाइक्स कर देते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते यार. कुछ तो ख्याल करो गरीबों में. शुरू करते हैं वीडियो को. और दूसरी बात ये कि यार ये जो मैं रैप पहले नहीं मैं इतना सुनता था, मैं रैप सुन रहा हूँ काफ़ी अरसे से, जब से 3 months से. तो ये सब रियल स्टोरीज हैं, जैसे कुछ जो जो ना कुछ हो रहा है मतलब. हाँ ये टूटा हुआ आशिक है, इसका मैंने पहला सॉन्ग सुना था. मेरे नहीं पहला सॉन्ग नहीं, जो रिसेंटली इसका जो नया पिछले साल सॉन्ग सुना था तोहफा था, मैं उसको इसको सुनाऊंगा. बहुत आला सॉन्ग था, मैं उसके बाद से थोड़ा फायदा. इसके अलावा भी जिस जिसको हमने रिएक्शन बनाए सभी ऐसे मतलब ये रियल स्टोरी रैप का मतलब शायद रियल है. इसकी स्टोरी टेलिंग बहुत बहुत कमाल की है ये अपने मतलब. उसने बंदी के लिए अपनी गाना लिखा था, बहुत टाइट गाना था वो तोहफा. मतलब दर्द देख रहे हो बंदे की बाद में, कि में अगर
मतलब जब मुझे लगता है कि भाई मेरी राइटिंग में दर्द ख़त्म हो गया, मेरी शायरी में दर्द ख़त्म हो गए, तो फिर मैं किसी से रिलेशन करके और मतलब उसको छोड़ देता हूँ, ताकि जो दूरी वाला होता है एक सीन होता है लाइक चार पांच मंथ बंदे को जो काम होता है ना वो वाला काम, फिर उसमें बंदे का हाथ तगड़ा हो जाता है राइटिंग में। ऐसा ही बहुत हार्ड था ये बार मेरे साथ ही ना होती है तो मानने वाली बात, मेरी बातों में असर है जो होती पे असर लोगों को याद ही ना होती, दुनिया के लिए जमा था सम्मान तेरे ठोकर ऐसे में फिर एक दिन पर क्या बनेगा बड़े होकर, ये चुना सुनने को तो मेरे काम है तरस गए फादी जो दिल करता है ना तेरा बेटा पोकर। क्या बोला फादी बेटा मेरे कान ये सुनने को तरस गए कि फादी बेटा तो क्या बनेगा बड़े होकर, ये चुना सुनने को तो मेरे काम है तरस गए फादी जो दिल करता है ना तेरा बेटा पोकर। ऐसा ही है बिल्कुल ऐसा ही है फादी भाई, इसको बताते हैं लास्ट में। ये जो लास्ट शायरी लाइन थी ना लास्ट वर्ड अच्छा था तगड़ा बहुत, नहीं ये लाइन थी इसने बोला ज्यादातर ऐसा है मेरे कान तरस गए हैं कि फादी बेटा वो का जो तेरा दिल करता है तो दिल करता है, वरना तो वैसे ऐसे ऐसे ही उठाता रहता है लाइक भाई तू ये क्यों कर रहा है। हर जगह ऐसा ही है, हम लोग जो चाहते हैं वो कर नहीं पाते, और जो हमारे पेरेंट्स चाहते हैं कि ये कर वो कर वो फोड़ते, जो टैलेंट है वो हमसे नहीं होता, वो नहीं हो पाता, बस ये वजह है बाकी। और ये जो ये वाले ताने देते हैं लाइक फलां के बेटे को देखो वो बन गया इसने ये बात भी इसने बोली है कि भाई दूसरे का तुम मुझे बोलते हो अपना पता नहीं अपना पता नहीं, ये तो नहीं बोला मैं अपने तरफ से ये बोल रहा हूँ कि अगर आप देखो अपने बच्चे को या भाई को या बहन को जो भी किसी को आप दूसरे की बात बोलोगे तो वो नहीं होता। अब हर बंदा एक जैसा नहीं होता ना कि वो एक जैसा बना हुआ है। अब आप हमें अगर हमें आके बोलोगे कि भाई तुम फलां रिएक्शन वाले की तरह रिएक्शन दो, बट हम वो नहीं दे सकते क्योंकि जो हम है वो नहीं है। तो ये बात समझो, खुद भी समझो, दूसरे को समझाओ, बाकी इसकी वो म्यूजिक। बट ये मुझे ईपी लग रही है, ये ईपी लग रही है लाइक ये इस तरह ये वो मतलब टूटे हुए ब्रोकन डिप्रेस्ड या बाकी जो भी औसम थी औसम सॉन्ग का यार ये सॉन्ग अच्छा था, बट इतना वो नहीं था कि मुझे इतना हिट नहीं किया कि मैं लूप पे सुनूं ये सॉन्ग, ऐसा सॉन्ग नहीं था। मतलब कभी कभार एक आध दिन हफ्ते में एक दो, लेकिन जो दूरियां था वो मैं दूरियां अच्छा गाना था वो उसमें शायद वीडियो थी विजुअलाइजेशन थी ना, तो इस वजह से हम लोग को ये भी हो सकता है क्या, ये भी होता है क्योंकि ज्यादातर सॉन्ग्स ऑडियो होती है इसलिए हम लोग उस तरफ जा नहीं पाते। नहीं कुछ कुछ ऑडियो के बीट्स भी ऐसी होती है कि बंदा कान में लगा के रात को सुनने वाला सॉन्ग। बाकी ये था हमारा रिएक्शन, तो भाई नेक्स्ट सॉन्ग पता नहीं कब आएगा ईपी का फादी भाई की, तो जब भी आएगा आप हमें ज़रूर बताइएगा और कमेंट में ज़रूर बताइए कि नेक्स्ट वीडियो हम किस पे बनाएं। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।